नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे लोकेशन पे हूँ जिसके बारे में जब मैंने स्टोरी सुना ना, तो मैं भी एक बाइक डर गया। आप लोगों से मैं वो स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली ये एक सच्ची घटना है, और जो घटना है उसका मेरे पास प्रूफ भी है। लोगों का कहना ये है, एक ऑटो ड्राइवर था जो ऑटो चलाता था, वो रेलवे स्टेशन पे जाता था, सवारियों को बैठाता था, छोड़ता था। उसकी लास्ट ट्रेन थी 11 बजे की। 11 बजे वो ऑटो ड्राइवर जाता था, लास्ट ट्रेन में जितनी भी मतलब सवारियों को छोड़ना था उसे, वो छोड़ करके एट द टाइम वो घर आता था। घर आते टाइम यार इस जगह पे उसको एक टाइम मतलब एक दिन एक लड़की मिली, उसने उसको लिफ्ट दिया। उसको वहीं पे जाना था जहाँ ऑटो ड्राइवर का घर था। वो ऑटो ड्राइवर अपने घर जाता था, टेम्पो खाली रहता था, तो उसने लिफ्ट मांगा। तो उसने सोचा कि मतलब यार हेल्प करने में क्या हर्जी है, जबकि ऑटो जा रहा है, ऑटो खाली जा रहा है। तो उसने वो समझ करके उस औरत की मदद की, और उस औरत को उसने अपने ऑटो में बैठाया, और उसने मतलब अपने घर से 1 किलोमीटर पहले, जो कि ऑटो ड्राइवर का जहाँ घर था उससे 1 किलोमीटर पहले उस औरत को उतरना रहता था, वहीं वो उतरती थी। ये सारी बातें ऑटो ड्राइवर घर पे जाके अपनी वाइफ से शेयर करता था, और वो औरत ठीक उसी टाइम पे उस ऑटो ड्राइवर को डेली मिलती थी, और डेली वो उसको उस जगह पे छोड़ता था। यही सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा। 7 दिन तक जब ये सिलसिला चलता रहा, 8वें दिन जब वो ऑटो ड्राइवर लास्ट वाली ट्रेन से सवारियों को बैठा कर खाली ऑटो लेकर जब वो घर आने लगा, तो उसने देखा वो औरत जहाँ पे जिस रास्ते पे उसको मिलती थी वो उस दिन गायब थी, वो उस दिन वहाँ पे थी नहीं। तो ऑटो ड्राइवर ने उस चीज़ को बहुत नॉर्मली लिया। नॉर्मली लेने के बाद जब वो घर गया, उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। उसकी डेथ का कारण था हार्ट अटैक। उसकी वाइफ ने ये सारी बातें जो है यहाँ के लोग जितने भी लोकल्स हैं उनको बताई, उनसे शेयर की। और एक्चुअली उसके 2 महीने बाद ये सेम प्रोसीजर एक बाइक वाले के साथ हुआ, क्योंकि बाइक वाला यहाँ का रहने वाला नहीं था। वो इन सब कहानियों के बारे में उसे मतलब कोई नॉलेज नहीं था। वो इसी रास्ते से होकर के उस साइड में जाता था, वो औरत उसको उसी रास्ते में मिलती थी, उसकी मदद मांगती थी, और वो कई सारी गाड़ियों को रुकवाती थी जो गाड़ी रोक करके उसकी मदद करता था। 7 दिन तक ये सिलसिला उसके साथ चलता था, 8वें दिन उसकी किसी ना किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है। तो वो ये वही जगह है जहाँ पे लोगों का दावा है कि मतलब वो औरत मिलती थी, और रात 11 बजे वो मिलती थी। आज हम 11 बजे से लेके 12 बजे तक 1 घंटे इस जगह पे आकर के हम 1 घंटे से इस जगह को वॉच कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। हम अभी जब बना रहे हैं वीडियो, 12 बजे ये वीडियो बना रहे हैं, 11 बजे से हम लोग यहीं पर हैं। इस लोकेशन को आपको दिखाते हैं अच्छी तरीके से, अगर हमको कुछ दिखाई देता है। यहाँ पे जब से 1 घंटे से हम लोग आ रखे हैं, हमने कई सारी हरकतें यहाँ पे देखी हैं, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं वो सारी हरकतें आपके साथ शेयर करने के लिए। जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं, हम भी बहुत ज़्यादा सहम गए, डर गए हैं दोस्त। ठीक है, हम यहाँ पे 2 लोग हैं, और 2 लोग 1 घंटे से बहुत कुछ यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। तो ये पहले आपको लोकेशन दिखा देते हैं, हम लोग लोकेशन पे हैं। ये देख लो दोस्त, ये जो यही वो औरत जो है उस ऑटो ड्राइवर से इसी रोड पे लिफ्ट मांगती थी, और वो ऑटो ड्राइवर इसी रोड से जाता था। और ये जो पेड़ है दोस्त, काफ़ी पुराना पेड़ है, काफ़ी पुराना, आप देख सकते हो। इसी पेड़ के नीचे वो औरत खड़ी रहती थी, और इसी पेड़ के नीचे से वो ऑटो ड्राइवर उसको उठाता था, और वो बाइक ड्राइवर उठाता था। कई सारी घटनाएं हुई उसके बाद, और हम जब से आए हैं कुछ ना कुछ हरकतें यहाँ पे चल रही हैं, हवाएं अचानक चलने लग रही हैं, अचानक से कुछ ना कुछ आवाज़ हमको सुनने में आ रही है, कुत्ते यहाँ कंटिन्यूसली भौंक रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है ना,
जिससे हम लोग का मतलब जो है शक और गहरा होता जा रहा है। एक घंटे से हम लोग यही कर रहे हैं यहाँ पे आकर के, वो सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कैमरा में यार कैमरा मनोज भाई कुछ तो है भाई, कुछ तो है, कुछ तो है। ये चीज़ अभी भी हिल रही है, ये चीज़ अभी भी हिल रही है, और दूर दूर तक कोई हवा नहीं चल रही है, कोई आसपास दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं है। यही चीज़ लगातार हमारे साथ एक घंटे से यहाँ पे हो रही है। कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है, कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है। अभी भी देखो कुछ ना कुछ हाँ यार, बहुत डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। फिर भी मनोज भाई हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है। मनोज भाई वहाँ तो कुछ थोड़ी ना, वहाँ पे वो चीज़ मिली, वहाँ पे कुछ है क्या मनोज भाई? वहाँ पे कोई जानवर नहीं दिख रहा यार, कुछ तो इधर ही हिल रहा था भाई। वहाँ पे कोई जानवर नहीं है, कुछ नहीं है। देखो मनोज भाई वहाँ से फिर कुछ हिला, देखो पत्ता नीचे गिर रहा है। उस पेड़ के ऊपर फोकस करना, कहीं ना कहीं मेरे को ना कुछ तो है यार भाई, कुछ तो है। जानवरों का आवाज तो आ रहा है बहुत। देखो पीछे से बैकग्राउंड से कैसी कैसी आवाजें आ रही है, डरावना है भाई। देखो अभी भी हिल रहा है, उस पेड़ सच में लग रहा है ये सराफित पेड़ है भाई। लोगों की सच बातें में मतलब डाल रखा है। एक घंटे से हम लोग मैसेज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हलचल, कोई ना कोई आवाज़ आ रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है भाई यहाँ पे। क्या कैसे कैसी आवाज़ें आ रही, देख रहे हो एकदम डरावनी लग रहा है। देखो कैसे कैसे आवाज़ें आ रही हैं, इधर ही से आ रही है, इधर से ही आ रही है। ऊपर में कुछ ना कुछ है मनोज भाई। हाँ भाई, अरे भाई ये क्या है, क्या है? नहीं था, क्या है? अभी भी हिल रहा है, ऐसा लगा कि कोई चीज़ वहाँ से गई है। अभी वो चीज़ यहाँ पे नहीं थी, नहीं थी। एक घंटे से मैं हूँ, एक घंटे से इस जगह को देख रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे नहीं थी जो चीज़ है। सही बात है भाई, ठीक है। इसका कहाँ से लेना देना है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं थी, नहीं थी। और ये चीज़ इस एरिया में इस जगह पे कहीं पे भी नहीं थी। देखो आवाज़ आ रहा है, वो देखो वो पत्ता है, ऊपर से कुछ है, ऊपर से कुछ ना कुछ मतलब हरकत हो रही है कंटिन्यूसली। एक घंटे से यही हम लोग देख रहे हैं, कुछ ना कुछ हरकत हो रही है। इतने ऊपर पत्ते हिल रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं, जबकि हवा हवा बिल्कुल नहीं चल रहा है यहाँ पे। हवा थोड़ा सा थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही है यहाँ पे। और बाहर इस मतलब इस एरिया के बाहर अगर चल रही हो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग देख लो बिल्कुल हवा नहीं चल रही है यहाँ पे। और ये जो भी चीज़ है ना, इसने एक घंटे से हम लोग को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। भाई देखो इधर कुछ तो ऊपर से गिरा, ठीक है, कुछ तो है। तो मेरे को डर भी लग रहा है कि मैं वहाँ से जो है ना कुछ हमारे ऊपर ना गिरे। कुछ तो जरूर है भाई इस जगह पे, इस पेड़ पे जरूर कुछ बहुत ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। वैसे तो कहा जाता है कि इतने टाइम से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। भाई देखो ये क्या चीज़ थी, ये क्या चीज़ थी, क्या भाई
यहाँ तक, यहाँ ये सारी चीज़ें हिल रही हैं, वहाँ से देखिए हिल रही है यार। इतनी भारी चीज़ कैसे हिल सकती है? और ये ऊपर हिल रही है, ऊपर से हिल रही है, मतलब कोई भाई वो चीज़ क्या है, वो चीज़ चमकता हुआ दिख रहा है? वो कुछ जरूर है भाई, वहाँ पे कुछ तो चमक रहा, कुछ है जरूर भाई, लताओं के बीच में कुछ तो बैठा हुआ है। पर जूम करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है, कुछ बैठा हुआ जरूर भाई। देखो देखो वहाँ बैठा है, बैठा हुआ है। दो सेकंड पत्थर मार के देखता हूँ, पत्थर मारता हूँ। पता नहीं रात के टाइम पत्थर मारना चाहिए या नहीं, जब से हम लोग हरकतें देख रहे हैं ना, ठीक है, मेरे को मारने की इच्छा ज़रूर हो रही है। कुछ तो है भाई, काफ़ी ज़्यादा पुराना पेड़ है, बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ है, मैंने इससे डरावना पेड़ आज तक नहीं देखा। वो चीज़ क्या? वो चीज़ क्या? जरूर कुछ है क्या? फोकस करो भाई, एकदम वहीं पे रखो, देखो क्या चीज़ है वो। बहुत कुछ तो है, कुछ तो है भाई मनोज भाई, जरूर कुछ है, लेकिन इसका इसका कुछ संबंध समझ में नहीं आ रहा, उसका कुछ कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा। वही तो नई चीज़ है ना, जो कोई चीज़ कैसे हो सकती है यार मनोज भाई? वही चीज़ तो नहीं है ना जो लोगों को मारती थी मनोज भाई? वो तो औरत थी। हाँ जरूर कुछ है वही यार, क्या करते हैं, चलिए यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो हम लोग भी उसी का शिकार हो जाएं। निकलते हैं मनोज भाई, यहाँ से निकलते हैं। चलो भाई तेजी, चलो वो आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है मनोज भाई, तो पीछे आ रहा है, पीछे आवाज आ रही है, भाग भाग भाग, किसी की आवाज आ रही है।